एक बार फिर से इस मॉड्यूल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एमएचआरडी के तहत एक मानक निर्धारित निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परक समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और विश्लेषण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए शिक्षार्थी आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश बनाने जैसे कुछ मुख्य उद्देश्यों को पूरा करेगा। परख के कार्यों के अंतर्गत शिक्षार्थी के सीखने के परिणामों की निरंतर निगरानी करना शामिल है, आवश्यक कौशल के आकलन के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं को और अधिक लचीला बनाना शामिल है, मूल अवधारणाओं, उच्च क्रम और मूलभूत कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनका मूल्यांकन करना शामिल है, शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना शामिल है, भारत के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्डों का मूल्यांकन करना, स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS का मार्गदर्शन करना और नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS का संचालन करना, जिससे देश के सीखने के परिणामों की उपलब्धि की निगरानी की जा सके। परख में CSWN को शामिल करना। अधिकांश कक्षाओं में ऐसे शिक्षार्थी होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है और उन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता भी होती है। शोध स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है आगे प्रगति की संभावना उतनी ही बेहतर नजर आती है। शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों CWSN की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए। CSWN के लिए परख में तकनीक का प्रयोग। इसके लिए किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों जिसमें उपयुक्त तकनीक की मदद से किए जाने वाले प्रयास सहित शामिल होंगे। शिक्षार्थी को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देना, प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमताओं का लाभ देने की दृष्टि से पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम व लचीला बनाना तथा साथ ही उपयुक्त आकलन और प्रमाणन के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाना, परख नामक प्रस्तावित नई राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र सहित मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियां दिशा निर्देश बनाएंगी और बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं सहित के स्तर तक इस तरह के मूल्यांकन के संचालन के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी, जिसमें सीखने की अक्षमता वाले सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पहुंच और अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके। परख में NAS को शामिल करना। समय समय पर समग्र प्रणाली की आवधिक जांच पड़ताल के लिए एक नमूना आधारित नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS द्वारा प्रस्तावित नई राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा अन्य सरकारी निकायों जैसे कि NCERT के साथ उपयुक्त सहयोग के साथ किया जाएगा। मूल्यांकन में सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों के शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामों का उपयोग केवल विकास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। स्कूल शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए उनके समग्र और शिक्षार्थियों की पहचान उजागर किए बिना उनके परिणामों को स्कूल द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। NCERT जैसे सरकारी संस्थाएं मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ साथ डेटा विश्लेषण में परख की मदद कर सकती है। मूल्यांकन और परीक्षाओं के प्रकार। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र अथवा परख विद्यालय बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA और अन्य चिन्हित निकाय मूल्यांकन रूपरेखाओं का निर्धारण करेंगे और कार्यान्वित करेंगे, जिसमें दक्षताओं, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, मानकीकृत मूल्यांकन और मूल्यांकन विश्लेषण के डिजाइन शामिल होंगे। 21वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मूल्यांकन के नए तरीकों का अध्ययन किया जाएगा। 21वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मूल्यांकन के नए तरीकों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत सीखने और नवाचार का कौशल, जीवन और व्यावसायिक कौशल मुख्य विषय और 21वीं सदी के विषय सूचना मीडिया प्रौद्योगिकी आदि शामिल होंगी, जिससे मानक और आकलन, पाठ्यक्रम और निर्देश, व्यावसायिक विकास, सीखने के माहौल को बढ़ावा मिलेगा। तो आज हमने मॉड्यूल 5 के अंतर्गत NEP के कुछ घटकों से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 5 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। NEP की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।